हेलो वेलकम टू सो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव जिसमें हम आपको ट्वेंटी फाइव लेक्चर्स में जो हमारा पीपीबी का पूरा कॉम्पोनेट है वो कम्पलीट करवा देंगे एंड दैट टू विद सम समैक्टिस एमसीक्यूज तो ये वीडियो सुबह छः बजे आता है चैनल पे एंड शाम को वी हैव आईएनएफएस जिसमें सेम 25 लेक्चर्स में आपका पूरा जो कॉम्पोनेट है वो कंप्लीट करवाया जाएगा सो so, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच ऑन दी चैनल तो so, आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉरन रेमिटेंस फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑपरेशनल आस्पेक्ट्स ऑफ एन बिजनेस तो सबसे पहले बात करते हैं फेमा की इंडिया में अगर आपको फॉरेन करेंसी लेके आना है या इंडिया से फॉरेन करेंसी बाहर लेके जाना है तो दोनों ही काफ़ी रेगुलेटेड चीज़ें हैं पहले इंडिया में बहुत पहले इंडिपेंडेंस से पहले भी ये सब रेगुलेटेड था अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1931 आफ्टर इंडिपेंडेंस फेरा 1947 आया कुछ चेंजेस किए फेरा 1973 आया लेकिन इन सब में जो रिस्ट्रिक्शन था वो बहुत ज़्यादा था पैसे लाने का पैसे ले जाने का इंडिया से और इंडिया का हालत काफ़ी ख़राब हो गया इकोनॉमिकली 1990 में हमारे पास कुछ दिन का जो है लोन चुकाने का पैसा भी नहीं था इंडिया के पास तब फिर लेके कर आए गए एल पी रिफ़ॉर्म्स 1991 लेकिन जो फेरा एक्ट है वो एल पी रिफ़ॉर्म्स के साथ उसका सामंजस्य नहीं बैठ रहा था क्योंकि ये काफ़ी रिस्ट्रिक्शन वाले थे इसमें अगर कोई ऑफेंस होता था तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था इसलिए फिर एक नया एक्ट लेके आया इसको रिप्लेस करके आया फेमा नाइन्टीन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये थोड़ा सा लिबरल था फॉरेन करेंसी लाने ले जाने के मामले में एंड प्लस इसके अंदर जो ऑफेंस माना जाता था वो सिविल ऑफेंस माना जाता था इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग तो फिर अब फेमा के अगर हम फीचर्स की बात करें तो फेमा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कोई भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जो भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन होती हैं वो ऑथोराइज पर्सन जिसे असाइन किया जाता है उसके थ्री ही हो थ्रू ही हो सकती है कोई भी पैसा बाहर से आएगा कोई भी पैसा इंडिया में आ, आता है या जाता है फॉरेन एक्सचेंज का वो सब रेगुलेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा उनकी परमिशन के द्वारा कोई भी डीलिंग्स फॉरेन एक्सचेंज में नहीं हो सकती हैं ठीक है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आर की स्पेसिफिक परमिशन की ज़रूरत है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज है फॉरेन सिक्योरिटी है बाहर से कोई भी पैसा आ रहा है तो आर की जर्नल या स्पेसिफिक काफ़ी जगहों पे, पे परमिशन की ज़रूरत पड़ती है इवन अगर गवर्नमेंट चाहे चाहे वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन हो चाहे वो करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन हो फॉरन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन हो उन उनपे सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कैपिटल और करंट ट्रांजेक्शन क्या होती हैं ये हम आगे जाके देखेंगे तो जो भी लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं उन्हें अपने रिश्तेदारों को इंडिया में पैसा भेजना है इंडिया वालों को बाहर पैसा भेजना है किसी को भी तो सब कुछ वो फेमा के अंडर रेगुलेटेड है पूरे तरीके से अब तो हम काफी ज्यादा लिबरल हो गए हैं इन चीजों को लेके ठीक है तो अगर, अगर हम तो बेसिक डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले बात आती है ऑथराइज्ड डीलर की ऑथराइज्ड डीलर वो पर्सन है जिसके पास लाइसेंस है आर से मिला हुआ लाइसेंस है जिससे उसे परमिशन मिलती है कि वो बाय एंड सेल कर सकता है फॉरेन करेंसीज का इंडिया में तो सिर्फ जो आर के थ्रू जिनको ऑथराइज डीलर बनाया गया है वही सिर्फ ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इसमें कैटेगरी वन कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री ऑथराइज डीलर्स हैं कैटेगरी वन ऑथराइज डीलर्स में आपके बैंक्स आते हैं जिन्हें सारी की सारी जो भी परमिटेड कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करनी है वो अलाउड है

रिजर्व बैंक तो जो भी ट्रांजेक्शन फुल फ्लैश मनी चेंजर्स कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं ये नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स करते हैं ठीक है तो इसके अंदर अपग्रेडेड एफ एम आते हैं कुछ रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं सिलेक्टेड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं और कुछ और एंटिटीज आती हैं ठीक है ये फुल फ्लैज मनी चेंजर्स ये वही होते हैं जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है ना यहाँ पे फॉरेन करेंसी में डील किया जाता है पैसे कन्वर्ट कर सकते हो तो वो फुल फ्लैश मनी चेंजर्स होते हैं ठीक है कैटेगरी थ्री के अंदर कौन से ऑथराइज्ड डीलर्स आते हैं ये कुछ ऐसे फाइनेंशियल या दूसरे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिन्हें फॉरन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन करना अलाउड है जो उनके बिजनेस या एक्टिविटी से रिलेटेड है कि उनके बिजनेस करने के लिए उन्हें कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस करने की जरूरत है वो फिर अपने को रजिस्टर कराते हैं एज कैटेगरी थ्री ऑथराइज्ड डीलर अब अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिससे देश की एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस आते हैं ठीक है मान लो कि हमारा देश यूएसए से लोन लेता है अगर हमने यूएसए से लोन लिया है तो लोन हमारे लिए क्या हो गया जो लोन हम लेते हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है मान लो हमने बांग्लादेश को लोन दिया है जब हम किसी को लोन देते हैं तो वो लोन हमारे लिए एसेट हो जाता है तो ये जो लोन लेने देने की ट्रांजैक्शन है इससे हमारी एसेट और लाइबिलिटी जो देश की है उस पर फर्क पड़ रहा है तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन होती ठीक है विथ ऑल्टर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ़ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और एसेट एंड लाइबिलिटीज इन इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया तो हमारी बाहर वालों के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन है चाहे हमारी एसेट बढ़ रही है कम हो रही है लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है इसमें एक बात याद रखनी है कि जब आप किसी कंट्री को लोन देते हो तो वो आपको इंटरेस्ट समेत पैसा वापस करेंगे तो जो लोन का जो इंटरेस्ट पार्ट होता है ना उसे हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट मानेंगे जो लोन का प्रिंसिपल का अमाउंट होता है चाहे लोन दिया है चाहे लोन लिया है वो कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में आता है जहां जहां पे भी करेंसी नोट की बात होगी तो करेंसी नोट का मतलब होगा सारे कॉइन्स और सारे बैंक नोट जहां पे सिर्फ करेंसी की बात होगी तो उसमें करेंसी नोट पोस्टल नोट पोस्टल ऑर्डर मनी ऑर्डर चेक ड्राफ्ट ट्रैवलर ट्रैक ट्रैवलर चेक लेटर ऑफ क्रेडिट ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी तो करेंसी ज़्यादा बड़ा टर्म है करेंसी नोट छोटा टर्म है ओके okay, फिर अगर हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करें तो जो भी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आ रही हैं वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो भी आप इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री बहुत सारा सामान इंपोर्ट करती है बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करती है तो वो जो सारी ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं जो आप लोन देते हैं या लेते हैं उन पर जो इंटरेस्ट आता जाता है वो भी आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है अगर मेरा कोई रिश्तेदार Uh, मुझे फॉरेन से पैसे भेज रहा है रेमिटेंसेस करें मेरे भाई बहन रिश्तेदार वो सब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में है मैं किसी को पैसे भेज रही हूँ थोड़े बहुत खर्चा पानी के लिए वो भी रेमिटेंसेस जो हैं वो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट है किसी को फॉरेन पढ़ने जाना है मेडिकल केयर के लिए जाना है ये सारे जो पैसे हैं ये ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट बनते हैं तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट है पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पेमेंट एज ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रेमिटेंसिस फॉर लिविंग एक्सपेंसिस एक्सपेंसिस इन कनेक्शन विद फॉरन ट्रैवल एजुकेशन मेडिकल केयर तो ये जो सारे जो सारी की ट्रांजेक्शन है ये करंट अकाउंट की कैटेगरी में आती हैं ठीक है तो जो भी पेमेंट है शॉर्ट टर्म बैंकिंग वाली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की वो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है कोई भी इंटरेस्ट आता है लोन पे कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पर आपको कोई इनकम जनरेट होती है वो सब करंट ट्रांजेक्शन uh, का पार्ट होता है कोई आप पैसे आपको आते जाते हैं बाहर से कोई भेजता है आप बाहर भेजते हो खर्चा पानी वो सब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट बनता है फिर बात आती है एक्सपैट्रिएट स्टाफ एक्सपैट्रिएट स्टाफ आप ऐसे पर्सन को बोलोगे जिसका प्रोविडेंट फंड सुपर एनुवेशन फंड या उसका जो पेंशन फंड है वो इंडिया के बाहर मेंटेन्ड है उसका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो इंडिया के बाहर है कोई गूगल एमेजोन में काम कर रहा है और उसका प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड सब यूएस बेस्ड है तो उसे एक्सपेट्रिएट स्टाफ बोला जाएगा ठीक है फॉरेन करेंसी किसको बोलते हैं इंडियन करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी है वो फॉरेन करेंसी है लेकिन फॉरेन करेंसी अकाउंट किसको बोलते हैं कोई भी अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है इंडिया की नेपाल की या भूटान की करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में मेंटेन्ड है ठीक है तो फॉरेन करेंसी अकाउंट में इंडिया नेपाल भूटान की करेंसी के अलावा किसी भी और करेंसी मेंटेन्ड है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट है ठीक है और परमिसिबल करेंसी कौन सी होती हैं फेमा के अंडर जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल है कि इंडिया से यूएसडी uh, में कर लो यूएसडी से इंडियन में कर लो कैनेडियन डॉलर को इंडियन करेंसी में कर लो ठीक है अब डैश आर दी ऑथोरा ऑथोराइज बाय आरबीआई टू कैरी आउट ऑल परमिशिबल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एज पर डायरेक्शन इश्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम तो हमने तीन टाइप के एक डीलर्स किए थे कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री कैटेगरी वन के जो ऑथराइज्ड डीलर्स थे वो ऐसे ऑथराइज डीलर्स थे जिन्हें सारी टाइप की कैपिटल और करंट ट्रांजेक्शंस करनी अलाउड है बाकियों पे लिमिटेशन है लेकिन कैटेगरी वन में सबसे ज़्यादा लिबरल रिजीम है कि वो करंट और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ठीक है अब एफ क्या होते हैं फुली फ्लश मनी चेंजेस हमने पहले भी देखा ये कुछ ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी है जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज खरीदना बेचना अलाउड है बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए जैसे किसी ने प्राइवेट ट्रैवल करने जाना है बाहर प्राइवेट पर्पस के लिए चाहिए किसी को किसी को बिज़नेस ट्रैवल करने जाना है जैसे वही जो आप फ़ारेन एक्सचेंज वाली दुकानें होती हैं मार्केट में जाओ जब आपको फॉरेन एक्सचेंज में पैसा जाना है या रिसीव होता है तो आप जाते नहीं होते दुकानों पे जहाँ पे आप पैसे देते हो उसके बदले में आपको फॉरेन करेंसी मिल जाती है फॉरेन करेंसी दो उसके बदले में रुपए मिल जाते हैं ये सारे फुली फ्लेश मनी चेंजर्स होते हैं ठीक है फिर बात आती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर कोई इंडिया की किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है ठीक है अगर कोई बाहर का पर्सन जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है वो अगर इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी की इक्विटी कैपिटल का 10 परसेंट से कम का इन्वेस्टमेंट है तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं अगर मान लो कंपनी की कैपिटल कितनी है सौ रुपये की और इन्वेस्टमेंट दस रुपये से कम की है तो फिर वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है ऐसे लोगों को कंपनी की वर्किंग से लेना देना नहीं है ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया किसको बोला जाएगा हम बार बार रेजिडेंट टर्म यूज़ करते हैं अगर कोई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहा है तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बोलेंगे अगर आप पिछले साल में इंडिया में वैसे बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है मेनली वन एटी टू डेज यहाँ पे याद रखना अगर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो वन एटी टू डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है लेकिन मान लो मैं विदेश चली गई हूँ काम करने पिछले साल मैं इंडिया में रही हूँ वन एटी टू डेज से ज्यादा लेकिन मान लो कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से दो महीने पहले मैं चली गई विदेश और मुझे पता नहीं है कि मैंने कब वापस आना है हो सकता है मैं तीन चार साल के लिए चली गई हूँ किसी प्रोजेक्ट के लिए तब मुझे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा चाहे मैं पिछले साल 182 एटी डेज से ज़्यादा इंडिया में थी लेकिन अगर मैं इंडिया के बाहर चली गई हूँ और मुझे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है जल्दी वापस आने का तो ये फिर 182 एटी डेज वाली लिमिट नहीं मानी जाएगी सेम अगर कोई इंडिया में काम करने आ गया और उसने अब इंडिया में ही रहना है और पता नहीं है कितना टाइम के लिए रहना है ठीक है वो हो सकता है चार पाँच साल के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में आ गया है उसका पता नहीं उसने कब वापस जाना है तब भी उसके लिए वन एटी टू डेज की लिमिट नहीं होगी तब फिर उसे रेजिडेंट मान लिया जाएगा उसके लिए भी ये लिमिट नहीं जारी की जाएगी पता ही नहीं है कितना टाइम और रहना है तो रेजिडेंट ही मान लो इसको चाहे वो पिछले साल वन एटी टू डेज रहा है इंडिया में चाहे नहीं रहा ठीक है फिर बात करते हैं इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लाने की या ले जाने की अगर कोई इंडिया आ रहा है और इंडिया में वो फॉरेन करेंसी लेके आता है तो उसे करेंसी डेक्लेन फॉर्म भरना पड़ता है कस्टम वालों के पास करेंसी डेक्लेन फॉर्म भरना पड़ना पड़ता है कस्टम वालों के पास लेकिन अगर जो उसके पास करेंसी नोट्स और ट्रैवलर चेक हैं अगर उसकी वैल्यू यूएसडी दस हजार डॉलर से ज्यादा की नहीं है इतना ही अमाउंट है तब फिर उसे करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरेगा तो चलेगा या फिर अगर उसकी फॉरेन करेंसी नोट्स पाँच हजार डॉलर से ज्यादा के नहीं हैं तब भी उसे करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है यहां पे करेंसी नोट्स लिखा है यहां पे फॉरेन करेंसी नोट्स लिखा है तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए ठीक है फिर पेमेंट इन कैश इन इंडियन रुपीज फॉर फॉरेन करेंसी नोट्स एंड ट्रेवलर्स चेक परचेज विद द फॉलोइंग सीलिंग पर ट्रांजेक्शन अगर कोई इंडिया में कैश परचेज करता है ठीक है फॉरेन करेंसी नोट देके तो वहां पे कैश कितना मिल सकता है उसको इंडियन या तो रेजिडेंट को हज़ार डॉलर के बदले में कैश मिल सकता है कैश की फॉर्म में फॉरेन विजिटर है कोई एनआरआई है उसको तीन हजार डॉलर यूएसडी के बदले में कैश मिल सकता है कैश नहीं तो ज्यादा मिलता नहीं है कैश आप कितना ले सकते हो अगर मुझे लेना मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ तो हजार डॉलर को कैश में कन्वर्ट करवा सकती हूँ और कोई फॉरन रेजिडेंट है एन है वो तीन डॉलर यूएसडी डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करवा सकता है ठीक है जहां पे सेल करना है आई का फॉरेन विजिटर्स को हमने किसी को कैश देना है फॉरेन विजिटर को और वो हमें पेमेंट कैसे कर रहा है फॉरेन करेंसी की थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड वो भी अलाउड है कोई फॉरन से बंदा आया और उसको कैश इंडियन रुपी चाहिए इंडियन करेंसी चाहिए और वह कहता मेरे पास यू एस डॉलर्स तो नहीं ये मेरा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ले लो पैसे काट लो और मुझे रुपीज दे दो तो ये भी अलाउड है इस तरीके से भी अलाउड है ज़रूरी नहीं कि वो आपको नोट ही ला के देगा यूएस डॉलर्स के कैनेडियन डॉलर के ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के ठीक है पेमेंट टू रेजिडेंट्स फॉर फॉरन करेंसी अकाउंट्स फॉरन करेंसी नोट्स अगर हमने रेजिडेंट्स को पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी नोट्स के लिए तो अकाउंट पे चेक के थ्रू हो सकती है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू हो सकती है आई एन डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकती है ई फंड ट्रांसफर के लिए के थ्रू भी हो सकती है पेमेंट टू रेजिडेंट्स जो इंडियन रेजिडेंट है उनको फॉरेन करेंसी के बदले में अगर पैसा देना है तो अकाउंट पे चेक डी डी डेबिट कार्ड ई फंड ट्रांसफर के थ्रू फिर आप कर सकते हो ठीक है अगर कोई एन इंडिया में आया था अगर उसके पास कोई अनस्पेंट इंडियन रुपी करेंसी पड़ी है कि उसने पहले तो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवा लिया था अब वो वापस से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है क्योंकि वो वापस जा रहा है तो वो कैसे करवा सकता है तो उसके पास इनकैशमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए एक एन इंडिया आएगा ठीक है वो अपनी फॉरेन करेंसी दे के आई एन लेगा ले जब वो आई लेगा ना तो उसको साथ के साथ मिलेगा एक इनकेशमेंट सर्टिफिकेट तो जब वो दोबारा इस इंडियन रुपी को अपनी विदेशी करेंसी में कन्वर्ट करवाना चाहेगा तो उसे फिर ये इनकैशमेंट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे इनकैशमेंट सर्टिफिकेट नहीं भी दिखाएगा तो भी उसकी करेंसी को दोबारा से फॉरेन करेंसी में इंडियन रुपी से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस केसेस में अगर सिर्फ दस तक का अमाउंट है ठीक है और उसको सात दिन के अंदर अंदर वापस जाना है और उसके पास कारण भी है कि क्यों नहीं है उसके पास इनकैशमेंट सर्टिफिकेट है ना उसके बाद कुछ फॉरन टूरिस्ट हैं नॉट एन अगर कोई फॉरन टूरिस्ट है उसने एटीएम से पैसा निकलवाया था ठीक है एटीएम से पैसा निकलवाया था और उसे अब ये जो पैसा उसने एटीएम से निकलवाया था अगर वो 50000 तक का अमाउंट है वो दोबारा से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाना चाहता है तो वो बिना एनकैशमेंट सर्टिफिकेट के करवा सकता है अगर उसके पास पासपोर्ट हो वीज़ा हो अपनी टिकट दिखा दे कि मैं तो सात दिन के अंदर अंदर जा रहा हूं मेरे को अपनी करेंसी चाहिए और उसके पास वो ओरिजिनल स्लिप हो जब उसने ए से पैसे विदड्रॉ करवाए थे उसके पास ओरिजिनल विद्रॉल स्लिप हो के देखो मैंने पैसे विदड्रॉ करवाए थे ठीक है अब इनवर्ड रेमिटेंसेज उन उनपे कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आप इंडिया के अंदर पैसा लेके आते हो उस उसपे कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आप प्रॉपर जो ऑथराइज डीलर बैंक है उनके थ्रू लेके आते हो और ये ऑथोराइज डीलर्स हैं ये फ्रीली जो पब्लिक है इंडिया की उनसे फॉरेन करेंसी परचेज कर सकते हैं ठीक है फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ती है आपको आपको पैसा मिला है आपकी कोई एसेट्स इनकम है आपने कुछ इनहेरिट किया है कोई गिफ्ट मिला है तो जो भी आपको फॉरेन करेंसी का पैसा मिला है वो आपको अपने ऑथराइज पर्सन को सरेंडर करना पड़ेगा विद इन वन डेज ठीक है अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है एज पर फेमा कहते पिछले साल में कितना टाइम पर्सन फाइनेंशियल ईयर में इंडिया रहा हो कि उसे इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा सिटीजन सिटीजन नहीं बोल रहे हम रेजिडेंट माना जाएगा तो मिनिमम वन एटी टू टू डेज़ का स्टे होना चाहिए ठीक है यहाँ पे हमने ये देखा था वन एटी टू डेज का स्टे होना चाहिए तो फिर उसे इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा मिनिमम अब इंडिया में अगर किसी को पैसा भेजना है रेमिटेंस करना है इंडिया में किसी को पैसा भेजना है बाहर से मेरे किसी रिश्तेदार ने वो मुझे बैंक वायर ट्रांसफर कर सकता है दो दिन लगते हैं मनी ऑर्डर है मनी ऑर्डर भेजेगा बहुत टाइम लगेगा फॉरेन करेंसी चेक भेजेगा 20 से 25 दिन लगेंगे पहले वो चेक लिख के मुझे भेजेगा मैं फिर अपने बैंक के पास लेके जाऊंगी लंबा टाइम है फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट के थ्रू भी पैसा इंडिया में भेजा जा सकता है ये ड्राफ्ट हम कब यूज़ करते हैं जब हम ऐसे पर्सन को पैसा भेज रहे हैं जिसे हम जानते नहीं हैं स्पेशली बिजनेस के लिए तो यहाँ पे 21 दिन तक लग जाते हैं लेकिन ये है कि अननोन पर्सन के लिए ये मेथड यूज किया जाता है फिर रेमिटेंस कार्ड होते हैं कि मैंने ए, मेरे रिश्तेदार ने एक कार्ड था उसमें पैसे लोड करके मुझे भेज दिया वो कार्ड ठीक है तो अब वो एक तरीके का इंडिया में मैं कार्ड यूज़ कर सकती हूँ ये भी बहुत आसान तरीका है फिर अगर मान लो एक पर्सन है उसके माँ बाप इंडिया में रहते हैं बुजुर्ग माँ बाप अब वो हर महीने पैसे भेजने की बजाय अपने बैंक को ऑथराइज कर देगा कि इंडिया वाला जो बैंक है वो फॉरेन वाले बैंक से पैसा विड्रॉ करके इस अकाउंट में डलवाता रहेगा और उसके माँ बाप इंडियन अकाउंट से पैसे निकलवाते रहेंगे इसे बोलते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट या फिर एसीएच ट्रांसफर ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस होता है एसीएच का मतलब तो इसमें एनआरआई जो है ऑथराइज कर देता है एक बैंक को कि वो बैंक उस पर्सन के फॉरन बैंक अकाउंट में से पैसा निकलवा लेगा हर हर महीने महीने एक लिमिट होगी कि हर महीने उस अकाउंट से इस अकाउंट में बीस पच्चीस हजार रुपए आ है फेमा ने कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं किए कि इंडिया में कितना पैसा लाया जा सकता है रेमिटेंसेस के थ्रू कोई अपर लिमिट नहीं है भेजने में बाहर काफी लिमिट्स हैं इंडिया में लेके आना है तो ले आओ जितना मर्जी ले आओ कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर आपका तरीका होना चाहिए ठीक है अगर मान लो मुझे किसी ने पैसा भेजा है इंडिया में और वो पैसा भेजा है मेरे बिजनेस के लिए ऐसा जब मुझे पैसा आया है बिजनेस के लिए और मैं टैक्स कंसेशन चाहती हूँ तो मुझे क्या बनवाना पड़ेगा फॉरन फॉरवर्ड इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट एफ ये रिक्वायर्ड होता है टैक्स कंसेशन क्लेम करने के लिए अगर जो बाहर से पैसा आया है वो बिजनेस पर्पज पर से आया है अगर आप इंडिया के बाहर पैसा भेजना चाहते हैं तो रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है बाय ऑथराइज डीलर जो इंडिया से बाहर पैसा भेजूंगी मैं मैं सिर्फ ऑथराइज डीलर के थ्रू भेज सकती हूं। तो गवर्नमेंट के फेमा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000 हैं, जो हमें बताते हैं कि कहां पैसा भेज सकते हो किस पर्पज के लिए भेज सकते हो कितना पैसा भेज सकते ठीक है तो इसके अंदर एक शेड्यूल वन है जिसमें वो ट्रांजेक्शन पेंशन की गई हैं जो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है इन चीजों के लिए मैं बाहर पैसा भेज ही नहीं सकती हूँ शेड्यूल टू में ऐसी ट्रांजेक्शन दी गई हैं जिसमें मैं पैसा तो भेज सकती हूं लेकिन किसी ना किसी मिनिस्ट्री का किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का परमिशन का रिक्वायरमेंट है शेड्यूल थ्री में आप पैसा भेज सकते हो ये वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल थ्री में जिसमें आप पैसा भेज सकते हो द्वारा टू और शेड्यूल थ्री की ट्रांजेक्शन हैं लेकिन आप भेज कैसे रहे हो अपने आर एफ सी अकाउंट से या ई एफ सी अकाउंट से तो फिर उनपे आपको प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है जो इनमें प्रायर अप्रूवल है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप आर एफ सी या इफ सी अकाउंट से पैसा भेज रहे हो वन वाली तो प्रोहिबिटेड ही है ना वो तो भेज उसके लिए भेज ही नहीं सकते हो पैसा ठीक तो है तो शेड्यूल थ्री की अगर ट्रांजेक्शन है तो थ्रेश होल्ड से ज्यादा आपको भेजने की जरूरत है तो आरबीआई अप्रूवल से आप पैसा भेज सकते हो ठीक है चलिए लेकिन नॉट व्हेन पेमेंट थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड इशूड बाय ओवरसीज बैंक फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन विजिट आउटसाइड इंडिया ठीक है कहाँ पे आपको आर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जो पेमेंट कर रहे हो वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो और वो क्रेडिट आप क्रेडिट कार्ड आपको एक ओवरसीज बैंक ने इश्यू किया है और आप ये खर्चा क्यों कर रहे हो फॉर मीटिंग एक्सपेंसिस ऑन विजिट आउटसाइड इंडिया

प्रोहिबिटेड है इन चीज के लिए पैसा भेज ही नहीं सकते हो लॉटरी का पैसा रेस राइडिंग का पैसा लॉटरी टिकटे बाहर खरीदने के लिए कोई बैंड मैगजीन खरीदने के लिए कॉल बैक सर्विसेज के लिए तो ये लिस्ट जो है आप इसका पीडीएफ डाउनलोड के पढ़ लेना क्योंकि इन्हें तो एक तरीके से क्रैम ही करना पड़ेगा तो जस्ट गो थ्रू दिस यू नो लिस्ट कि कौन से में आपको बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है ठीक है रेमिटेंसेज ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स फंड एन आर स्पेशल रुपी अकाउंट स्कीम इसके तहत जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है इसको आप रेमिट नहीं कर सकते हो तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी प्रोहिबिटेड है अब ये वो ट्रांसैक्शन है जहाँ पे आपको एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की परमिशन की ज़रूरत है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा हल्का सा आइडिया ले लीजिए कि कल्चरल टूअर के लिए अगर आपको पैसा भेजना है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एच डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको रेमिटेंस ऑफ फ्रेट करना है वेसल ऑफ वेसल चार्ट पी एस यू तो मिनिस्ट्री ऑफ सर्फिस ट्रांसपोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी तो ऐसे आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है फॉरेन प्रिंट मीडिया में तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन लेनी पड़ेगी तो इस तरीके से अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आप इसको एक दो बार इसे रीडिंग कर लेना पी में से और आपका ये जो टॉपिक है काफी आ, अच्छे से कवर हो जाएगा फिर ये वो ट्रांजेक्शन है जहां पे आपको परमिटेड तो है पैसा भेजना शेड्यूल थ्री के अंदर लेकिन सिर्फ ऑथराइज डीलर्स के थ्रू भेज सकते हो और एक लिमिट है कि मैक्सिमम कितना भेज सकते हो ठीक है तो इनमें आपने कोई स्पेसिफिक लिमिट कहीं लिखी हुई नहीं देखी है ज्यादा यहाँ पे हर मिनिस्ट्री का अलग अलग है फिर आपको स्पेसिफिक परमिशन ले रहे हो ना हर ट्रांजेक्शन के लिए आप मिनिस्ट्री से परमिशन ले रहे हो ठीक है अगर आपको रेमिटेंसेस करनी है मेंबरशिप ऑफ ऑफ आई क्लब के लिए तो मिनिस्ट्री फाइनेंस से परमिशन ले रहे हो तो आप सारा मेंशन करोगे अपनी रिक्वेस्ट में कि मुझे इतना पैसा भे, भेजना है बाहर वहां पे आप मेंशन करोगे तो वहां पे कोई स्पेसिफिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं यहां पे क्या है शेड्यूल थ्री के अंदर फॉर इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल जो है फॉरन एक्सचेंज फैसिलिटी के अंदर ढाई लाख डॉलर तक बाहर भेज सकते हैं अभी हम लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है आप शेड्यूल थ्री के अंदर ढाई लाख डॉलर तक भेज सकते हो इससे ज्यादा भेजना है तो ऑब्वियसली आरबीआई की परमिशन की जरूरत पड़ती है तो अगर किसी को बाहर जाना है घूमने एक्सेप्ट फ्रॉम नेपाल एंड भूटान तो इसके लिए वो पैसा शेड्यूल थ्री के अंदर ले जा सकता है गिफ्ट और डोनेट करना है कोई बाहर काम करने जा रहा है विदेश में एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वो भी पैसा भेज सकता है अंडर शेड्यूल थ्री किसी को बाहर परमानेंटली शिफ्ट होना है ही कर रहा है कोई किसी को अपने क्लोज रिलेटिव्स को अब्रॉड में पैसा भेजना है कोई आप ट्रैवल कर रहे हो कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है किसी का इलाज करना है इलाज करने वाले के साथ जाना है तो उन सब चीजों के लिए पैसा जो है ढाई लाख डॉलर तक का भेजा जा सकता है किसी को पढ़ने जाना है कोई करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन करनी है कोई भी तो वो कहां से होती है शेड्यूल थ्री के थ्रू आप इंडिया के बाहर पैसा भेज सकते हो लेकिन पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर सेवन पॉइंट नंबर एट पॉइंट नंबर फोर क्या है आपका अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना है या आप बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हो या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ट्रैवल कर रहे हो चेकअप कराने जा रहे हो तब इंडिविजुअल मे अवेल ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब लिमिट प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा के लिए भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ठीक है तो वहां पे आपको लिमिट से ज्यादा भी ये तीन चार चीजों के लिए करना अलाउड है तो हमारे पास एक बहुत ही मेजर स्कीम है आउटवर्ड रेमिटेंसेस के लिए पहले ना बहुत ताम झाम था बाहर पैसे भेजने के लिए तो उस चीज को ईजी करने के लिए सरकार लेके आई है आरबीआई लेके आया है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कि आपको विदेश अगर पैसा भेजना है तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट इंक्लूडिंग माइनर्स याद रखना इवन माइनर भी अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ढाई लाख डॉलर एक साल के एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर विदेश भेज सकते हैं फॉर परमिटेड करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन तो यहां पे एक पॉइंट याद रखना है माइनर को भेजना अलाउड है पैसा लेकिन उसको जो डेक्लरेशन फॉर्म है वो अपने नेचुरल गार्डियन से काउंटर साइन करवाना पड़ेगा ये जो एल आर एस स्कीम है इंडिविजुअल्स के लिए है ना ही ये कॉर्पोरेट्स के लिए है ना ही ये पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए है ना ही एच के लिए ना ही ट्रस्ट के, के लिए है ठीक है ये इंडिविजुअल्स के लिए स्कीम है इंक्लूडिंग माइनर एल के थ्रू पैसे भेजने हैं पैन कार्ड मैंडेटरी है एल स्कीम के लिए जो सोल प्रोपराइटर है और जो उसका बिजनेस है उसे एक ही समझा जाएगा ऐसा नहीं हो सकता कि सोल प्रोपेटर ने ढाई लाख अपने नाम पे भेज दिए ढाई लाख अपने सोल प्रोपेटर बिजनेस के नाम पे भेज दिए पांच लाख नहीं सोल प्रोपेटर और उसके बिजनेस को एक ही इंडिविजुअल पर्सन ही माना जाएगा ओके अगर किसी को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए पैसा भेजना है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सी थी एसेट लाइबिलिटी पे जिसपे फर्क पड़ता है अगर उस पर्पज के लिए पैसा भेजना है वो तभी भेज सकता है अगर उसका जो बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू वो पैसा भेज रहा है उसे खुले हुए एक साल अगर हो चुका है तभी सिर्फ वो ये पैसा भेज सकता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में ऐसी कोई भी नहीं है लिमिट और इसमें जितनी मर्जी बार भेजो टोटल ढाई लाख भेज सकते हो लेकिन आप एक बार दस हजार भेजो फिर बीस हजार भेजो फिर पंद्रह हजार ऐसा कोई लिमिट नहीं है डॉलर्स कितने भेज सकते हो लिमिट अपर लिमिट है कितनी बार भेज सकते हो उस पर कोई भी लिमिट नहीं है और एल स्कीम के लिए ना आपको अपने एक बैंक को बताना पड़ेगा कि एक बैंक की एक ब्रांच को आपको डेजिग्नेट करना पड़ेगा कि मेरी सारी जो भी ट्रांजेक्शन है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की वो इस अकाउंट के थ्रू होंगी मेरा अगर एस में अकाउंट है तो मैं एस की एक ब्रांच को निर्धारित कर दूंगी कि मेरी जितनी भी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम वाली ट्रांजेक्शन है वो इस अकाउंट के थ्रू होंगी और यहाँ पे रेमिटेंस जो है मान लो कि मुझे भी भेजने हैं मेरी लिमिट कितनी है ढाई लाख डॉलर मेरी सिस्टर की कितनी है ढाई लाख डॉलर तो हम ऐसे कंसोलिडेट करके भी भेज सकते हैं ठीक है कि अगर मुझे चार लाख डॉलर भेजने हैं तो ढाई लाख मेरी लिमिट में से चलेगी डेढ़ लाख मेरी बहन की लिमिट में से चले गए लेकिन मुझे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे जो भी रिक्वायरमेंट है ठीक है अगर मुझे मॉरीशस या पाकिस्तान में पैसा भेजना है एल के तहत तो लिमिट कोई मतलब तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है आरबीआई के सर्कुलर में मेंशन है कि देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस टूवर्ड रेमिटेंसेज फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर मुझे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए पाकिस्तान या मॉरीशस भी पैसा भेजना है वो भी मैं एलआरएस के थ्रू भी सकती और किसी भी कन्वर्टेबल है।, है, बार -बार? मतलब कि है तो भी मैं भेज सकती हूँ मुझे यूरो में भेजना पाउंड में भेजना मैं भेज सकती हूँ लेकिन कितना मैक्सिमम भेज सकती हूँ ढाई लाख डॉलर की जितनी वैल्यू बन रही होगी उतनी इस पर्पज के लिए भेज सकती हूँ किसी को बाहर घूमने जाना है ऑब्वियसली नॉट नेपाल भूटान ठीक है किसी को गिफ्ट डोनेशन भेजना है किसी को बाहर काम करने जाना है कोई बाहर सेटल होने जा रहा है किसी को अपने रिश्तेदारों को पैसा भेजना है मेडिकल ट्रीटमेंट कोई बिजनेस के लिए जा रहा है और इन सब चीज़ों के लिए आप लिब्राइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर पैसा भेज सकते हो और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कोई भी करनी है उसके तहत आप पैसा भेज सकते हो कुछ ट्रांजेक्शन इस स्कीम के अंदर प्रोहिबिटेड हैं एल के अंडर ओबियसली जो शेड्यूल वन वाली ट्रांजेक्शन है तो बिल्कुल लॉटरी वाला सट्टेबाजी के लिए आप ऐसा नहीं भेज सकते हो ठीक है और कोई भी ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल टू के अंदर रिस्ट्रिक्टेड हो जाए रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें भी आप नहीं भेज सकते हो आपको मार्जिन या मार्जिन कॉल्स करने हैं फॉरेन के लिए डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं बस आइडिया ले लो कि मार्जिन मार्जिन कॉल वर्ड आ गया तो यही करना है कोई बाहर सेकेंडरी मार्केट में फॉरेन में फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदना चाहता है उसके लिए एलआरएस के अंडर पैसा नहीं दिया जा सकता कोई फॉरेन में ट्रेडिंग करना चाह रहा है फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड में नहीं वो भी नहीं अलाउड है कोई भी ऐसी कंट्री है जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ ने बोल रखा है कि ये करेंसी जो है ये नॉन कॉपरेटिव कंट्री है टेरिस्ट को सपोर्ट करती है उनमें भी आप कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस नहीं भेज सकते हो तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए आप पैसा नहीं भेज सकते हो ठीक है अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच रेमिटेड अंडर द एलआरएस मैक्सिमम कितना पैसा भेज सकते हो एलआरएस के अंडर ढाई लाख डॉलर जब ये स्टार्ट हुआ था तो पच्चीस हजार डॉलर से ये स्कीम शुरू हुई थी अब ये ढाई लाख डॉलर पे आ चुकी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लिबरालाइज रेमिटेंस स्कीम रेमिटेंसिस कैन बी मेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी जिसमें भी अलाउड है फ्रीली उसमें कर सकते हैं यस बिल्कुल सही है यहाँ इनकरेक्ट पूछा है बैंकर्स कैन ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया फॉर रेजिडेंट अंडर एल आर एस ये बिल्कुल भी गलत सही नहीं है ये गलत है कि बैंकर जो है फॉरन करेंसी अकाउंट इन इंडिया ओपन नहीं कर सकते हैं इंडियन रेजिडेंट्स के लिए अंडर दिस एल आर एस स्कीम ये अलाउड नहीं है इंडियंस के लिए फॉरन करेंसी अकाउंट्स नहीं खोले जा सकते इस स्कीम के तहत ठीक है एल करने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है बिल्कुल ठीक है सोल प्रोपराइटर बिजनेस और सोल प्रोपराइटर के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं आती है इस स्कीम के लिए यह भी बिल्कुल सही है तो करेक्ट आंसर क्या है आपका बी आती है एक स्कीम इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम जो है ये क्यों बनाई गई है इंडिया में बहुत सारे लोग नेपाल से काम करने आते हैं वो आसानी से इंडिया से नेपाल पैसे अपने रिश्तेदारों को अपने घर वालों को भेज सके उसके लिए स्कीम बनाई गई थी वन वे है इंडिया से वहां पैसे जाते हैं वहां से यहां पैसे नहीं आते इंडिया से अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो नेपाल में वो भेज सकता है ये 2008 में स्कीम आई थी ठीक है उसके बाद इस स्कीम को और थोड़ा सा बूस्ट मिला अगस्त 2021 में तो इसको एनहेंस किया गया था कि ट्रेड पेमेंट करनी है बिटवीन द टू कंट्रीज ठीक है और कोई भी किसी को अपना रिटायरमेंट पेंशन का पैसा नेपाल भेजना है जो पर्सन पहले इंडिया में था एक्स सर्विसमैन अब वो इंडिया से रिलोकेट हो गया नेपाल के अंदर तो वो फिर इस स्कीम के थ्रू पैसा ले जा सकते हैं तो जो पर्सन का अकाउंट है इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट है नेफ्ट इनेबल्ड बैंक ब्रांच है उसकी वहां पे उसका बैंक अकाउंट है तो वो दो लाख पर ट्रांजैक्शन पैसा भेज सकता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे लिमिट नहीं है लेकिन पर ट्रांजैक्शन दो लाख रुपए इंडिया से नेपाल भेजा जा सकता है अगर भेजने वाला अकाउंट है इंडिया में अगर कोई वॉक इन कस्टमर है नॉन कस्टमर है बैंक का तो वो एक बारी में मैक्सिमम पचास भेज सकता है और साल में मैक्सिमम बारह बार पैसे भेज सकता है ठीक है मैक्सिमम फिफ्टी थाउजेंड पर ईयर ट्वेल्व ट्रांजेक्शन कर सकता है लेकिन जिसका अकाउंट है वो दो लाख रुपए भेज सकता है लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है नॉन अकाउंट होल्डर जो ये वॉक इन कस्टमर है इनको अपनी एक आईडी देनी पड़ेगी ओके okay? फिर उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शन होती हैं ये नेफ्ट बैचेस में होती हैं नेशनल क्लियरिंग हाउस मुंबई के थ्रू होता है एसबीआई का पेमेंट गेटवे यूज होता है स्पेशली क्रिएटेड फॉर दी नेपाल रेमिटेंसेस और वहां पे ये पैसा किसके पास जाता है वहां पे नेपाल स्टेट बैंक लिमिटेड और उस एजेंट्स है उसके थ्रू फिर ये रेमिटेंसेस पे होती और जो पैसा भेज रहा है उसका कस्टमर ड्यू डिलीजेंस होता है जिसने पैसा वो रिसीव करना है उसकी भी इंफॉर्मेशन कैप्चर की जाती है कैश रेमिटेंसेस किसको अलाउड है सिर्फ नॉन कस्टमर्स को ठीक है तो रेमिटेंसेस अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम आर अंडर दी नेफ्ट सिस्टम यहाँ हमने किया ना नेफ्ट बैचेज में जाता है एस का पेमेंट गेट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशली इस स्कीम के लिए ठीक है तो नेफ्ट के थ्रू ये पैसा जाता है अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई बिजनेस की एनआरआई को इंडिया में अगर अकाउंट खोलना है तो वो कौन सा अकाउंट खोल सकते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट स्कीम इसको अब मैं सिर्फ एन अकाउंट बोलूंगी एफ अकाउंट फॉरन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक स्कीम एनआरओ अकाउंट नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ये क्यों खोला जाता है किस परपज के लिए खोला जाता है ये हम देखते हैं एनआरईज और पी आईओ अपने ऑथराइज डीलर या और बैंक के पास इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक के पास ये नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल जो अकाउंट है एक्सटर्नल रूपी अकाउंट है ये खोल सकते हैं इंडिविजुअल या एंटिटीज अगर ये अकाउंट खोलना चाहती हैं लेकिन वो पाकिस्तान या बांग्लादेश से हैं तो उन्हें आर का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा इंडिया में एनआरआई अकाउंट खोलने से पहले एनआरआई इस अकाउंट को ज्वाइंटली भी खोल सकता है ठीक है मे बी ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ टू और मोर एन दो या दो से ज्यादा एनआरआई या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इस अकाउंट को खोल सकते हैं अगर कोई एनआरआई अपने किसी इंडियन रेजिडेंट के साथ मिलके ये एन अकाउंट खोलना चाहता है तो वो इंडियन रेजिडेंट रिलेटिव उसका रिश्तेदार होना चाहिए और रिश्तेदार की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो रिश्तेदार है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मर और सर्वाइवर क्या होता है कि या तो फॉर्मर जो एन आर आई होगा वही इस अकाउंट को चलाएगा अगर कल उसकी डेथ हो जाती है तब सिर्फ जो सर्वाइवर है वो उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है ठीक है लेकिन अगर एनआरआई चला जाता है वापस, और उसका अकाउंट है इंडिया में वो फिर अपने एक रेजिडेंट रिलेटिव को पावर ऑफ अटर्नी दे सकता है ठीक है कि तुम मेरी तरफ से ट्रांजेक्शन कर सकते हो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू वो ट्रांजेक्शन कर सकता है द द रेजिडेंट रिलेटिव कैन ऑपरेट अकाउंट एज अ पावर ऑफ अटर्नी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एनआरआई तब वो ट्रांजेक्शन कर सकता है एनआर अकाउंट के अंदर चाहे सेविंग्स अकाउंट खोलो चाहे करंट अकाउंट खोलो चाहे रेकरिंग अकाउंट खोलो चाहे आप फिक्स्ड अकाउंट खोलो ये सारे टाइप के जो अकाउंट्स हैं आपको अलाउड होते हैं उसके बाद करेंसी कौन सी अलाउड है इसके अंदर इंडियन रुपी करेंसी जो है उसके अंडर इस अकाउंट को मेंटेन किया जाता है ये हम आगे जाके एक चार्ट भी देखेंगे अब जिसको पावर ऑफ अटर्नी आप देते हो इंडियन रेजिडेंट को वो क्या कर सकता है उसके पास क्या पावर है वो लोकल पेमेंट्स के लिए उस अकाउंट में से पैसा निकलवा पाएगा ठीक है जिस एनआरआई ने उसका का अकाउंट है उसको वो विदेश में पैसे भेज सकता है बैंकिंग चैनल के थ्रू सिर्फ उसको भेज सकता है किसी और को नहीं भेज सकता है परमिसिबल इन्वेस्टमेंट कर सकता है एनआरआई अकाउंट्स में से निकाल के पैसा अब पीए पीओ को क्या अलाउड नहीं है जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर होगा इंडिया में उसको क्या अलाउड नहीं है एनआरई अकाउंट में करना एक तो वो एन अकाउंट खुद से खोल ही नहीं सकता क्योंकि खोलता कौन है एनआरआई उसकी तरफ से भी नहीं खोल सकता ठीक है एनआरआई अकाउंट होल्डर के अलावा किसी और को बाहर पैसा नहीं भेज सकता है सिर्फ उस एनआरआई को भेज सकता है किसी और को पैसा नहीं भेज सकता है किसी को गिफ्ट के तौर पर पेमेंट नहीं कर सकता है ये अलाउड नहीं है किसी और एनआर अकाउंट में पैसा डाल दें ये भी उसको अलाउड नहीं है वैसे इस एनआर अकाउंट के अंदर पैसा आ भी सकता है इसके अंदर से पैसा जा भी सकता है ठीक है इसके अंदर जो आप एफ करवाते हो एनआर अकाउंट के अंदर तो एक से तीन साल के लिए करवा सकते हो अब इस अकाउंट में क्या क्या पैसा आ सकता है इनवर्ड रेमिटेंसेस का पैसा आ सकता है बाहर से इंटरेस्ट जो पड़ रहा है पैसे पे इस अकाउंट पे जो पैसा पड़ा उस पर इंटरेस्ट मिलता है वो भी क्रेडिट किया जा सकता है कोई इन्वेस्टमेंट करी है इसी अकाउंट से तो उसपे भी मिल सकता है ठीक है इस अकाउंट इस अकाउंट में दूसरे अकाउंट से एनआरई एफ अकाउंट से जो पैसा है वो भी ट्रांसफर किया जा सकता है एनआरई अकाउंट किसी और से इस एन अकाउंट में पैसा आना हो किसी एफ सी एन अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा आना हो वो भी अलाउड है जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी इस अकाउंट से पैसा निकाल के वो इन्वेस्टमेंट जब मिच्योर हो जाए उसका पैसा भी इस अकाउंट में आ सकता है कोई भी करंट इनकम डिविडेंड इनकम पेंशन इनकम इंटरेस्ट इनकम है कोई भी तो वो एनआरई अकाउंट के अंदर आ सकती इसमें से पैसा कट कौन सा सकता है किसी को कोई पेमेंट करनी है लोकल किसी को विदेश में पैसा भेजना है इस अकाउंट से दूसरे एस एनआर अकाउंट में पैसा डालना है इस अकाउंट से किसी फॉरेन करेंसी के एफ सी एनआर अकाउंट में पैसा डालना है तो यहां से पैसा कट सकता है इसका जो पैसा है इजीली रिपेट्रीबल है कल वो एनआरआई बोले मुझे ये पैसा लेके जाना है अपने साथ तो वो इस पैसे को ले जा सकता है इस अकाउंट पे जो भी आप इनकम अर्न करते हो वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स है और जो इसका बैलेंस है वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम वेल्थ टैक्स है तो एग्जम्प्टेड है ठीक है अगर कोई लोन्स के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो ऑथोराइज डीलर कैन सेंक्शन लोन्स इन इंडिया टू द अकाउंट होल्डर विदाउट एनी लिमिट सब्जेक्ट टू द यूजुअल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अगर कोई लोन लेना चाहे इस अकाउंट के अगेंस्ट तो वो ले सकता है ठीक है लेकिन ये जो लोन का पैसा है ये इंडिया से बाहर रिपेट्रिएट नहीं किया जा सकता इस अकाउंट के अगेंस्ट लोन लेना है ले लो लेकिन इट कैन नॉट बी रिपेट्रिएटेड और ये सिर्फ इंडिया में स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही वो लोन का पैसा इस्तेमाल हो सकता है अब वो लोन का पर्पज़ क्या हो सकता है किसी को कोई पर्सनल पर्पस के लिए पैसे के लिए लोन चाहिए था कोई बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन चाहिए किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है किसी इंडियन कंपनी में फेमा के अंडर करना चाहता है कोई यहाँ पे घर लेना चाहता है फ्लैट लेना चाहता है तो वो लोन ले सकता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो इस लोन के पैसे से रीलैंडिंग नहीं कर सकता कि मैंने बैंक से दस परसेंट पे ले लिया मैंने किसी को तेरह परसेंट पे लोन दे दिया ये अलाउड नहीं है एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन एक्टिविटीज के लिए भी ये लोन का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ठीक है फिर लोन आउटसाइड इंडिया ये तो इनसाइड इंडिया है कि हमने बैंक से लोन ले लिया लोन कैन बी गिवन टू द नॉन रेजिडेंट डिपॉजिटेड और टू द थर्ड पार्टीज फॉर बोनिफाइड पर्पज ठीक है तो लोन जो है दिया जा सकता है थर्ड पार्टी को या नॉन रेजिडेंट को आउटसाइड इंडिया फॉर बोनिफाइड पर्पज कोई भी मॉनिटरी लिमिट नहीं है अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है जिसने पैसा जमा कराया था एनआरआई की डेथ हो जाती है तो ये पैसा जो है उसके नॉन रेजिडेंट नॉमिनी को ट्रांसफर किया जा सकता है ठीक है और रेमिटेंसेज आउटसाइड इंडिया भी भेजी जा सकती हैं डेथ के बाद उसकी मरने के बाद की जो भी लाइबिलिटीज़ बची हों वो एन मर गया उसका बाहर कोई चुकाने वाला था पैसा तो वो डिपॉजिट अकाउंट में से पैसा बाहर भेजा जा सकता है वो सारे लोन चुकाने के लिए या फिर उसके नॉमिनी को ये पैसा जो नॉन रेजिडेंट नॉमिनी है उसको ये पैसा दिया जा सकता है डेथ के बाद अब इस अकाउंट पे क्या आपको इंटरेस्ट मिलता है तो मिलता है अकॉर्डिंग टू आर बी आई डायरेक्शन डिपॉजिट डायरेक्शन टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है अगर किसी ने एनआरई अकाउंट में टर्म डिपॉजिट करवाया है ठीक है तो जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलता है लेकिन अगर वो एफ डी जो टर्म डिपॉजिट है वो है. किसको बोलते हैं कि सिंगल डिपॉजिट दो करोड़ या उससे ज्यादा का सिंगल डिपॉजिट है उस पर एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं लेकिन कभी भी बल्क डिपॉजिट या किसी भी एनआरआई अकाउंट पे इतना इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए कि जितना इंडियन वालों को ना मिलता हो डोमेस्टिक रुपी जो टर्म डिपॉजिट है ना कि मैंने इंडिया में एफडी कराई मेरे को तुम सात परसेंट दे रहे हो एनआरआई को तुम नौ परसेंट दे रहे हो ऐसा अलाउड नहीं है मेरे मुझे अगर साथ मिलता है तो एनआरआई को मैक्सिमम साथ ही मिल सकता है ठीक है स्टाफ को सीनियर सिटीजन को एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता है क्वार्टरली या उससे कम में रेट ऑफ जो इंटरेस्ट लगता है वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है ठीक है ऑन डिपॉजिट ऑफ अ रिटर्निंग एन आर आई कन्वर्टेड टू आर एफ सी अगर कोई एन आर आई अब इंडिया में सेटल होना चाहता है तो वो कौन सा अकाउंट खोलते होते हैं रेजिडेंट फॉरन करेंसी अकाउंट ओपन करते हैं ठीक है थीके? तो ऑब्वियसली अब उसका अकाउंट आर एफ सी में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन अगर वो उसके एन आर आई की एन आर ई अकाउंट में टर्म डिपॉजिट था एफ डी करा रखी थी और अभी एफ डी को एक साल भी नहीं हुआ था तो उसको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा सेविंग्स अकाउंट वाला ज़्यादा नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि अभी एफ को एक साल भी नहीं हुआ था और तुमने आर अकाउंट में उसको कन्वर्ट करवाना है प्रीमेच और अगर तुम विड्रॉल कराते हो तो पेनल्टी लग सकती है बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ठीक है फिर पेनल्टी लग सकती है अगर आप एनआर अकाउंट को एफ अकाउंट में कन्वर्ट करते हो पैसा आने जाने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप कन्वर्ट करते हो इससे इस, इस अकाउंट में तो पेनल्टी लगाई जा सकती है लेकिन अगर एनआरई अकाउंट को आप आर अकाउंट में कन्वर्ट करते हो तो कोई भी पेनल्टी नहीं है अगर आप इस बैंक से दूसरे बैंक में अपना बिजनेस ट्रांसफर करना चाहते हो या बिज़नेस ट्रांसफर हो जाता है बैंक का तो भी कोई पेनल्टी नहीं है अब हम ट्रांजेक्शन देखते हैं लोन इन इंडिया अगेंस्ट एनआरई डिपॉजिट्स कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज अगर मैं अपने एन डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लेती हूँ इंडिया में तो वहां पे किस पर्पज के लिए यूज हो सकता है पर्सनल पर्पज के लिए हो सकता है बिजनेस पर्पज के लिए भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल इन इंडियन एज वेल एज रेजिडेंट कंट्री ऑफ एन आर आई होल्डर उसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में जो है नहीं अलाउड होता है वन टू एंड थ्री इसके लिए आप जो है लोन का पैसा यूज कर सकते हो कंपनी में इन्वेस्ट करना है करो अकॉर्डिंग टू फेमा बिजनेस करना है करो पर्सनल पर्पज फ्लैट लेना है लो लेकिन अगर आप ऐसे कहीं पे पैसा जमा करवा के रख देना चाहते हो ठीक है यहाँ पे अलाउड आपको नहीं होता है ठीक है यहाँ पे रेजिडेंशियल पर्पज के लिए अगर आप घर वगैरह खरीदते हो देन इट्स फाइन तब आप कर सकते हो लेकिन अगर आप रीलैंडिंग के लिए एग्रीकल्चरल प्लांटेशन वगैरह के लिए करते हो तो उसमें फिर नहीं कर सकते ठीक है फिर एफ सी एन आर बी अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट्स सिर्फ टर्म डिपॉजिट्स के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हो और टर्म डिपॉजिट एक से पाँच साल के लिए एफ वगैरह एक से पाँच साल के लिए हो सकती है इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग भी हो सकता है फिक्स्ड भी हो सकता है इस अकाउंट में सेम वही सारे पैसा आना जाना अलाउड है जो आपका एक एनआरई अकाउंट में अलाउड सारी जो परमिसल डेबिट्स परमिसिबल क्रेडिट से जो पावर ऑफ अटर्नी की पावर्स थी वो सारी सेम है जो एनआरई अकाउंट के लिए हैं इसका पैसा भी इजीली रिपैट्रिएबल है लेकिन यहां पे क्या है टर्म डिपॉजिट होता है सिर्फ ठीक है अगर किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है अब वो एन था वो टर्म डिपॉजिट करा लेता है अब वो बन गए इंडिया आके सेटल हो गया वो इंडियन रेजिडेंट बन गया तो उसका एफ सी एन आर डिपॉजिट पड़ा रहने देंगे जब तक के उसकी एफ डी मेच्योर नहीं हो जाती जब मेच्योर होगी ठीक है तो फिर उसको दूसरे अकाउंट पे पैसा चला जाता है लेकिन जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे मिलेगा मेच्योरिटी के बाद वो पैसा किस में ट्रांसफर कर सकता है आरएफसी अकाउंट में क्योंकि जो एनआरआई इंडिया वापस आते हैं वो आरएफसी अकाउंट ही ओपन करते हैं अपना सारा पैसा इंडिया में लाने के लिए फिर ये एन अकाउंट अगर कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया या कोई फॉरेन नेशनल है ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन अगर वो इंडिया विजिट करता है तो वो एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकता है कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया या फिर कोई बाहर का विदेशी बंदा इंडिया में आता है तो वो ये अकाउंट ओपन कर सकता है ऑथोराइज डीलर ऑथराइज बैंक पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है इसमें भी अगर चाहें तो दो या दो से ज़्यादा एन आर आई मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप एन आर आईज ये अकाउंट किसी इंडियन रेजिडेंट के साथ ओपन करना चाहते हैं तो सेम फॉर्मर या सर्वाइवर बेसिस पे ही इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है इट इज ऑल्सो इन इंडियन रुपी, और इसमें भी सेविंग करंट अकाउंट रेकरिंग डिपाउंट फिक्स डिपॉज़िट अकाउंट किए वाले सारे अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं पीरियड ऑफ फिक्स डिपोजिट जो होता है जितना रेजिडेंट अकाउंट्स में अलाउड है उतना ही एनआर अकाउंट में भी अलाउड है अगर मैं दस साल की एफ करा सकती हूँ तो एनआर अकाउंट वाला भी दस साल के लिए एफ करवा सकता है इसमें पैसा किस चीज के लिए इस अकाउंट के अंदर आ सकता है कोई बाहर से इंडिया रेमिटेंस करना चाहता है विदेश से इंडिया पैसा भेजना चाहता है तो इस अकाउंट में पैसा आ जाता है ठीक है जो और कोई भी रुपी गिफ्ट लोन मेड बाय अ रेजिडेंट टू एन आर आई पी आई ओ रिलेटिव विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब अंडर द लिबरालाइज रेमिटेंस स्कीम अगर कोई इंडिया का रिश्तेदार अपने उस एन आर आई रिश्तेदार को अंडर द लिबरालाइज रेमिटेंस स्कीम कोई गिफ्ट पैसा देना चाहता है तो वो एन आर आई अकाउंट में आ सकता है अब इसमें से पैसा कट कौन सा सकता है लोकल पेमेंट का पैसा ठीक है ट्रांसफर टू अदर एन आर ओ अकाउंट और रेमिटेंसेज ऑफ करंट इनकम अब्रॉड ये सारा जो पैसा है ये इसमें से कट सकता है कि किसी को लोकल पेमेंट करनी है बाहर पैसा भेजना है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस बैलेंस इन एन आर ओ अकाउंट कैन नॉट बी रिपेट्रिएटेड अब्रॉड एक्सेप्ट फॉर एनआरआईज एंड पी आई ओज अपू यू एस डी वन मिलियन डॉलर तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि एनआरओ अकाउंट्स की रिपेट्रिएशन पे थोड़ी सी लिमिटेशन है ठीक है तो ये बार बार चेंज भी होती रहती है फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स रेगुलेशन 2016 के तहत ठीक है उसके बाद फंड कैन बी ट्रांसफर टू एनआर अकाउंट विद इन दिस यूएसडी वन मिलियन फैसिलिटी तो इसी वन मिलियन डॉलर फैसिलिटी के अंदर ही पैसा एनआर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है ठीक है तो बाकी अकाउंट्स में रिपेट्रिएशन में इशू नहीं था इसमें थोड़ा सा रिपेट्रिएशन पे जो इंटरेस्ट इनकम आती है ना इस अकाउंट में उस पर लिमिटेशन नहीं है लेकिन अगर आप ये पैसा ले जाना चाहते हैं विदेश में तो वन मिलियन डॉलर तक की इस पर लिमिट है तो करंट इनकम आप करवा सकते हो आराम से जो आपकी आप बाहर आप ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो लेकिन बाकी का जो बैलेंस है तो वो वन मिलियन डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर आप ले जा सकते हो ये टैक्सेबल अकाउंट है बाकी अभी तक अकाउंट टैक्सेबल नहीं थे ये टैक्सेबल है लोन आउटसाइड इंडिया इस में परमिटेड नहीं है इस अकाउंट के अगेंस्ट लेकिन इंडिया में अगर किसी को इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन लेना है तो वो ले सकते हैं ऑब्वियसली जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है वो तो होंगी होंगी हुँ। इसमें भी टर्म डिपॉजिट्स जो हैं वो अलाउड होते हैं लेकिन यहाँ पे बल्क डिपॉजिट्स जो हैं अगर आप वो करते हैं बल्क डिपॉजिट मतलब एक डिपॉजिट दो करोड़ या उससे ज्यादा का तो आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल सकता है तो एनआर अकाउंट ये हम टेबल पहले भी कर चुके हैं पैसा जमा होता है फॉरन करेंसी में एफ में फॉरन करेंसी में एनआरओ अकाउंट में इंडियन रुपी में पैसा जमा होता है विड्रॉ एनआरई में कर सकते हैं इंडियन रुपी एनआरओ में इंडियन रुपी लेकिन एफ में फॉरन करेंसी फॉरन करेंसी में आया फॉरन करेंसी में गया इंडियन करेंसी में आया इंडियन करेंसी में गया फॉरेन करेंसी में आया इंडियन रुपए में गया कोई टैक्स नहीं कोई टैक्स नहीं एनआरओ में टैक्स लगता है ठीक है एफ सी एन आर फुली फ्रीली रिपेट्रीएबल एन आर ई फुली फ्रीली रिपैट्रिएबल और जो एन आर ओ है इसमें हमने देख लिया वो वन मिलियन जो डॉलर वाली लिमिटेशन है यहाँ पे रहती है अब क्वेश्चन देख लेते हैं एनआरओ एन आर आईज पी आईओ कैन होल्ड एनआरली रेजिडेंट रिलेटिव ऑन बेसिस तो एनआरआई अगर एनआरई अकाउंट किसी इंडियन रेजिडेंट के साथ होल्ड करना चाहता है तो वो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे कर सकता है ठीक है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड इशू करना अलाउड है एनआरआईस को पी को और इनकी पेमेंट की सेटलमेंट कैसे होती है या तो इनवर्ड रेमिटेंस के थ्रू होती है और कार्ड होल्डर्स एफ सी एन आर एन आर ई एन आर ओ अकाउंट के थ्रू भी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स की सेटलमेंट हो सकती है एक अकाउंट और कर सकते हैं हम एस एन आर आर अकाउंट स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट जो भी फॉरन नेशनल या फॉरन की कंपनी जो हैं वो बिजनेस रिलेशनशिप करना चाहती हैं इंडिया की किसी इंडिविजुअल या एंटिटी के साथ तो वो कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट ये सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप के लिए अकाउंट ओपन होता है ठीक है एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जिसका इंडिया में बिजनेस करने का इंटरेस्ट है अच्छा बिजनेस ऐसे घपले का पैसा नहीं बिजनेस करने का इंटरेस्ट है तो वो इंडिया में एस एन आर आर अकाउंट खोल सकते हैं लेकिन अगर कोई पाकिस्तान की कंपनी है पाकिस्तान का पर्सन है या बांग्लादेश की कंपनी या पर्सन है उन्हें ये अकाउंट खोलने के लिए आर बी आई का स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा सबसे बड़ी बात इस अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है ये सिर्फ बिजनेस करने के लिए ये पैसा है तो इसमें जो भी पैसा आएगा जो भी पैसा जाएगा वो सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही होगा और ये अकाउंट कितने टाइम तक खुला रहेगा जितना टाइम का आपका बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है या तो उतने टाइम के लिए या मैक्सिमम सात साल के ये अकाउंट सात साल से ज्यादा के लिए नहीं खुल सकता है ठीक है अगर बहुत जरूरी है आपको करना इससे ज्यादा के लिए खोलना तो ऑब्वियसली आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत है कि आप बोलो कि नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आरबीआई से स्पेशल परमिशन ऑफ ले सकते हो एनआरओ अकाउंट से एस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता ये पैसा रिपैट्रीबल है बाहर वापस ले जाया जा सकता है इसपे टैक्स भी लगते हैं और इंडिविजुअल को नॉमिनेट भी किया जा सकता है इस अकाउंट के लिए

रेमिटेंसेस करना चाहते हैं तो आरबी का अप्रूवल कब रिक्वायर्ड होगा अगर जो करनी है, वो मिलियन डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा की है ऑन द अकाउंट ऑफ कोई लेगेसी रिक्वेस्ट इनहेरिटेंस टू अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया उसको अगर आपने अपना जायदाद का पैसा भेजना है फॉरेन में किसी को इनहेरिट कर रहा है कोई लेगेसी का पैसा है किसी के बिहाफ पे तो वो वाले में भी आर के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है बाई एन आर आई पी आई ओज आउट ऑफ द बैलेंस हेल्ड इन एन आर ओ अकाउंट्स सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स द एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस या लेगेसी ठीक है अगर कोई एनआरआई पी आई ओज एन आर ओ अकाउंट से पैसा रिपेट्रिएट कर रही हैं कोई एसेट्स बेच के पैसा ले जाना चाहते हैं कोई लेगेसी उन्होंने कहीं से जायदाद करी है उनकी वहाँ पर भी आर बी आई के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है ठीक है फिर उसके बाद एक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय एन एनआरआई अगर कोई एनआरआई इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी जमीन जायदाद वगैरह खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या एनआरआई इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कि उसको किसी इंडियन रेजिडेंट ने ही वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है या फिर किसी एनआरआई ने गिफ्ट कर दी है या फिर किसी पी ने गिफ्ट कर दी है एग्रीकल्चरल लैंड प्लांटेशन प्रॉपर्टी फार्म हाउस ये सब अलाउड नहीं है उनको एक्वायर करना कहीं से उन्होंने इनहेरिट करी है कि किसी को इनहेरिटेंस मिली है इनहेरिट किससे किया है किसी इंडियन रेजिडेंट से या किसी बाहर वाले रेजिडेंट से भी उन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है ठीक है अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया

वो उनसे वो एक्वायर कर सकते हैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने स्पाउस के साथ जॉइंटली मान लो एक इंडियन है एन आर है एक है ना और उसकी वाइफ है वो है मान लो यूके की तो ये मिलके एक इन जॉइंट प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं ठीक है और ऑब्वियसली प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू ही इसे कर सकते हैं लेकिन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका अफगानिस्तान चाइना ईरान नेपाल भूटान चाहे इंडिया के हों चाहे इंडिया के बाहर के रेजिडेंट हो कैन नॉट एक्वायर और ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ आर कोई पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका चाहे इंडिया के रेजिडेंट हो, इंडिया के बाहर के हो, लेकिन सिटीज़न वहाँ के हैं इन कंट्रीज़ के तो बिना आर की परमिशन के वो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते हैं ठीक है लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन कब एप्लीकेबल नहीं है अगर लीज पे लिया है पांच साल से ज्यादा तक के लिए ना उससे कम के लिए लीज पे लिया है तब भी अलाउड है अगर कोई रिपेट्रिएशन करना चाहता है NRI, किसी की इनकम या विदेश से सेल प्रोसीड्स हैं एसेट्स की जो एनआरआई की विदेश में है तो कैसे कर सकता है वो रिपेट्रिएट या होल्ड कर सकता है ओवरसीज अकाउंट में मा की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रेजिडेंट कैन होल्ड ओन ट्रांसफर इंडियन रेजिडेंट फॉरेन में प्रॉपर्टी वगैरह सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे होल्ड कर सकता है या तो उसको किसी एन से मिली है या फिर उसको इनहेरिट किया है उसने किसी एन से ओके okay? अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे प्रोहिबिटेड uh, है इन्वेस्टमेंट ये वही जहाँ पे लॉटरी बिजनेस uh, कोई ऑनलाइन लॉटरीज है गैम्बलिंग के लिए चिट फंड निधि कंपनी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स रियल एस्टेट बिजनेस फार्म हाउसेस वग़ैरह में सिगार चिरूट्स सिगरेट तबैको वगैरह इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है बाहर का पैसा इन सेक्टर्स में नहीं लग सकता लॉटरी में चिट फंड में निधि कंपनी में रियल एस्टेट में फार्म हाउस वगैरह में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है यहाँ पे ये हमारा आज का सेशन था अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कुछ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज गो हैड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच